हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एम्प्लॉयधन्वी में आप लोगों का दिल से स्वागत है। मेरा नाम है स्वाति। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे बहुत 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 अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हमारे यहाँ पर चल रहा है काम। तो शायद मैंने आप लोगों को बताया होगा कि यहाँ पर एक जाली का डोर है, जो कि वो आप देख सकते हैं सीमेंट वगैरह सब कुछ निकल गया था। तो बस इसका ही हमारे यहाँ पर काम चल रहा है। तो ये जो डोर है उन्होंने मतलब ठीक कर लिया है, बट मतलब यहाँ से सीमेंट निकला था ना, हमने कहा था कि उनको, जिस अंकल जी को, कि आप लगा दो, बट उन्होंने लगाया नहीं। तो इसलिए हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके ना यहाँ पर सीमेंट लगा लेंगे। और हाँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर न्यू आए हो तो प्लीज़ कर लेना चैनल को सब्सक्राइब। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कॉमेंट्स करके मुझे बताइएगा। तो यहाँ पर है ना, जहाँ जहाँ का सीमेंट निकला हुआ है तो सब जगह पर मैं पानी लगा के रख दूँगी, ताकि सीमेंट और रेत लगाने में ईजिली हो जाए। और फिर है ना, यहाँ पर सीमेंट लगाने की मैं कोशिश कर रही थी, क्योंकि ये लग नहीं रहा था। फिर मैंने सोचा चलो मैं ट्राई करके देखती हूँ। तो बस मैंने थोड़ा सा लगाया, उसके बाद मेरे हस्बैंड ही लगाने लगे। तो मैं साथ ही में मतलब कि ये जो सीमेंट वगैरह सब कुछ गिरा था ना, मैंने सोचा कि क्लीन कर लेती हूँ, नहीं तो फिर वो चिपक जाएगा, तो फिर वही उसे क्लीन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। और आपको शायद आपके यहाँ पर भी अभी परसों के कल के रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई होगी, क्योंकि मेरी फ्रेंड एक महाराष्ट्र में रहती है, मैंने उससे पूछा तो उसके यहाँ पर भी बारिश हुई है और मेरे यहाँ पर भी बहुत बारिश हुई है। तो इतना सारा जो आम है ना, आम का जो फूल आता है ना, जो आम के लिए मीन्स के जो आम लगते हैं ना, उसका जो फूल आता है, तो आप देख सकते कितना सारा मतलब आंगन में पड़ा हुआ था। तो मैंने इनको कहा कि चलो आप घर के अंदर का काम कर लो, सीमेंट लगा लो, और मैं बाहर का आंगन वगैरह साफ कर लेती हूँ। तो बस आंगन वगैरह साफ हो गया है, ये मिट्टी का आंगन है, इसे भी साफ करना है, तो इसको मैं थोड़ी देर से साफ कर लूँगी। मैंने सोचा कि चलो ये जो कचरा मतलब कि जमा किया है, इसे ना उठा के रख देती हूँ। और मेरा फिर आंगन वगैरह सब कुछ साफ हो गया था, तो ये कचरा जा रही हूँ फेंकने के लिए। पीछे एक नाला है तो वहाँ पर मैं फेंक दूँगी। और फिर ये अंकल जी फिर से आ गए थे। और ये जो डोर आपने देखा होगा किचन के इधर साइड लगा हुआ था, जो कि बीच में आता था, तो इसी कारण मैंने यहाँ से निकाल के यहाँ लगवा लिया है। तो मुझे ना कमेंट्स भी आया था, मैंने एक बार है ना वीडियो में बात की थी कि मुझे यहाँ से निकालना है, तो मुझे कहा था कि आप निकालो मत, वास्तु के हिसाब से मतलब वहाँ पर सही है, बट मैं इतना कुछ मानती नहीं इन सब चीज़ों को। तो इसी कारण मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती थी ट्राईपोड रखने में, तो इसी कारण वहाँ से निकाल के मैंने इधर से लगवा लिया, ताकि मुझे मेरा जो किचन है ना थोड़ा बड़ा भी दिखेगा, और मुझे कुछ भी काम करने में या फिर ट्राईपोड रखने में प्रॉब्लम नहीं होगी, इसी कारण मैंने उसमें से निकाल लिया है। तो बस अभी ये बाहर का भी काम हो गया है। अंकल जी आए थे, उन्होंने ये जो डोर है ये भी फिक्स कर लिया है, वाले डोर का भी काम हो गया है। तो आप देख सकते कितना सारा कचरा है ना। सच में इससे पहले तो आप देखते ना, मेरी जो घर की हालत है मतलब पूरी ख़राब हो गई थी। बाहर का आंगन भी ख़राब हो गया था, अंदर का भी ख़राब हो गया था। तो फिर मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि चलो मतलब घर को थोड़ा सा है ना पानी से धो लेते हैं, तो इसी कारण नल भी आ गया था, इसी कारण हम लोग थोड़ा सा ना घर को पाइप से मतलब पानी से धो लेंगे, ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए। और ये यहाँ पर पानी डाल रहे हैं, और मैं साथ ही साथ में वाइपर से क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि मैं सोच रही थी जल्दी से क्लीन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इशू सो रही है ना, इशू उठ जाएगी, तो बस वही कि इशू पानी के में खेलेगी, इसी कारण साथ ही में मैं क्लीन कर दी थी। तो चलिए, आज ये छोटा सा ही ब्लॉग है, तो प्लीज़ इसे इंजॉय कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए। मिलती हूँ न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।